किड्स कैंप में चल रहे हैं अप टू 50% डिस्काउंट ऑन किड्स वेयर, लेडीज वेयर और मैन वेयर पर। किड्स कैंप में टॉप ब्रांड मुफ्ती, स्पाइकर, रिवर ब्लू। किड्स कैंप मुंब्रा का पहला क्लॉथिंग मॉल है जहां मिले न्यू बॉर्न बेबी से लेकर सभी के जरूरत की चीजें। 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, तो आज ही आए किड्स कैंप। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कुछ दिन पहले ही चांद नगर में पानी की टंकी का उद्घाटन हुआ था और अब इस टंकी से पानी लीकेज हो रहा है। ऐसे में पानी की टंकी के निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे मटेरियल से ये टंकी का निर्माण हुआ था जो उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही पानी की टंकी में जगह जगह लीकेज हो रहा है। फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय का मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपये का चालान काटा है। विवेक ओबराय बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक चला रहे थे, जिसका वीडियो विवेक ओबराय ने खुद सोशल मीडिया में अपलोड किया था और जिसके वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने धारा 188-269 मोटर व्हीकल एक्ट, 129-177 पैंडेमिक एक्ट का मामला दर्ज किया है और बिना हेलमेट का 500 रुपये का चालान कर दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में 14 साल की बेटी के साथ उसके पिता ने बलात्कार कर गर्भवती कर दिया और सुनवाई के दौरान स्पेशल जस्टिस पॉक्सो कविता डी शिरभाटे ने बलात्कारी पिता को पॉक्सो के तहत दोषी पाया और 10 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया है। मुंबई एनसीबी ने 18 फरवरी को मुंबई एयरपोर्ट पर एक अफ्रीकन महिला को 9 करोड़ के हेरोइन के साथ पकड़ा है। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने महिला के बैग से 3 किलो हेरोइन बरामद किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूली छात्रा को एक युवक बेरहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो 2019 का है, मगर अब वायरल होने के बाद पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ौदा में कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। ये मारपीट चुनाव प्रचार के दौरान हुई है। दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस डंडे में पार्टी का झंडा लगा हुआ था उसी डंडे से ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर मारपीट की है। पेटी में बंद लाखों रुपये दीमक चाट गए। आंध्र प्रदेश में एक कारोबारी 100, 500, 2000 के नोटों को पेटी में जमा करता था, मगर पेटी खोलने के बाद पता चला कि नोटों को दीमक चाट गए और ये नोट रद्दी बन गए हैं, जिसके बाद इस कारोबारी ने नोटों की गड्डियों को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया और इसके घर पुलिस आ गई और इस कारोबारी की मुसीबत और बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा के बरेपुरवा में 14 साल के लड़के की गला घोट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अमर कुमार बताया जा रहा है। शौच के लिए अमर कुमार घर से निकला था मगर वापस नहीं आया और खेत में दूसरे दिन अमर कुमार का शव मिला। शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पुलिस कर रही है। अमेरिका के मेट्रो स्टेशन के पास अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग में 8 लोग घायल हुए हैं, जबकि 71 साल का बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।